एटीन एटी एक व्यक्ति था जॉन रॉबलिन जिसने एक स्वप्न देखा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड उसके बीच में समंदर था और उसका स्वप्न था कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाए ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं था समंदर के ऊपर ब्रिज और वो भी इतना विशाल किसी ने सोचा भी नहीं ना कभी कल्पना की थी कि ऐसा कभी हो सकता है पर ये एक व्यक्ति था जिसका ये स्वप्न था इंजीनियर था कि मुझे ये करना ही है उसके जो मित्र थे उसने उनको बहुत समझाया पर वो नहीं माना मुझे करना ही है क्योंकि लोगों को बहुत समय लगता है यहाँ से उधर जाने के लिए तो उसने उसका जो बेटा था वाशिंगटन रॉबलिन और एक इंजीनियर को बुलाया और उन्होंने प्लानिंग चालू की कैसे इसको करना है और काम करने लगे और काम तेजी से चलने लगा परंतु जब इस कंस्ट्रक्शन का काम चालू था वहीं पर एक दुर्घटना में जॉन रॉबलिंग था उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो बेटा था वॉशिंगटन वो भी बुरी तरह घायल हुआ उसका बोलना बंद हो गया सिर में चोट लगी चलना भी बंद हो गया वो जॉर्ज वो वॉशिंगटन रॉबलिंग अपने बिस्तर में लेटा लेटा बेडरिडन, अपने पिता का जो स्वप्न था बस वही देखते रहता था कैसे भी करके उस स्वप्न को पूरा करना है और जो मित्र थे और जो लोग थे जिन्होंने ये कहा था मत करो उन्होंने तो और हंसी उड़ाई कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था डोंट ट्राई द इम्पॉसिबल पर फिर भी नहीं माने फिर भी नहीं सुधरे बाप तो चला गया और बेटा अपाइज हो गया परंतु ये जो बेटा होता है वो वो स्वप्न को नहीं भूलता है और दिन रात वही सोचते रहता है कैसे 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 और एक दिन सुबह सुबह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है सूरज अभी निकला है खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में आ रही है और वह वाशिंगटन देखते रहता है देखते रहता है और अचानक उसके मन में विचार आता है नई आइडियाज आती है कि ये कैसे किया जाए समंदर है समंदर के बीच में ब्रिज बनाना है हाउ और बहुत सारे न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज उसको आने लगते और अचानक वो कहता है इंजीनियर को बुलाओ पर वो बोल नहीं पाता है क्योंकि हेड इंजरी हुई है ब्रेन के हिस्से डैमेज है चल नहीं पाता है हाथ भी नहीं हिलता है उंगलियां हिलती है तो वो उसकी पत्नी वहाँ बैठी रहती है उस पत्नी का उसके पत्नी का हाथ होता है वो उसके पत्नी के हाथ पर टैप करता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है ऐसा ऐसा करना है और ये ऐसे इंस्ट्रक्शन वो अगले तेरह वर्ष तक देता रहता है तेरह वर्ष के बाद वो ब्रिज बन जाता है आज जो न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ता है ब्रिज ब्रुकलिन ब्रिज जो खड़ा है ये वही ब्रिज है सबसे बड़ा ब्रिज जो पहला बनाया हुआ ब्रिज द प्रन ब्रिज इतने वर्ष तेरह वर्ष तक वो केवल लिख भी नहीं पाता है पर उसकी पत्नी उसके वो टैप किए हुए शब्द पढ़ती है एक एक शब्द को टैप करता है वर्ड बनाता है और कहता है अभी ये करना है अब ऐसा करना है और धीरे 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 उसके पिता का जो जोश जो पैशन था जो इच्छा थी और जो डिजायर थी जो लक्ष्य था कि ये करना ही है अपने पिता की मृत्यु होने के बाद में भी खुद अपाइज होने के बाद में भी वॉशिंगटन वो, वो करके दिखाता है तो जहां पर दृढ़ संकल्प है वहां चाहे कोई भी बाधा आ जाए कैसी भी बाधा आ जाए सारी दुनिया एक तरफ हम एक तरफ सारी परिस्थितियां विरोधी प्रतिकूल फिर भी यदि संकल्प श्रेष्ठ हो महान हो दृढ़ हो तो ये कार्य हो सकता है चल तू अपनी राह पथिक चल होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या चल तू अपनी राह पथिक चल होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 यदि उस वॉशिंगटन की जगह कोई और होता पैरालाइज हो गया है हाथ पांव काम नहीं कर रहे और जो लोगों के जिन लोगों के हाथ पांव काम कर रहे वो विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं असंभव है वो कहते हैं ये हो नहीं सकता आज तक किसी ने इतिहास में ये बनाया नहीं है समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनाए सपोर्ट क्या है उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ये बात जो बताई वो 1883 की है अभी तो विश्व भर में अलग अलग जगह बन चुके हैं परंतु उसने हार नहीं मानी मेघ उमड़ते अंबर में भंवर उठ रहे सागर में आंधी और तूफान डगर में तुझको तो केवल चलना है चलना ही है फिर तो फिर डर क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या महत्व विजय के संकल्प का है ना विजय या पराजय का वि महत्व विजय की इच्छा का है ना कि पराजय हो रही है फेल पास का कोई महत्व नहीं है महत्व है संकल्प का महत्व है पुरुषार्थ का महत्व है करने का क्रिया का महत्व है हार न खाने का और अध्यात्म के मार्ग में आशावादी होना बहुत आवश्यक है अध्यात्म में निराश हो जाना अर्थात आत्मा की इंसल्ट करना स्वयं का अपमान करना उदासी से भर जाना निरुत्साह से भर जाना हतोत्साहित हो जाना शस्त्र डाल देना ये मुझसे नहीं होगा अर्थात स्वयं की चेतना का स्वयं अपमान करना ये मार्ग अकेले का है ये जान लो यहां कोई साथ चलने वाला नहीं है यह तो भीतर जगत की यात्रा है अंतस की यात्रा है अंतरतम की यात्रा है चेतना में छिपे हुए सूक्ष्म विकार सूक्ष्म कमियां कमजोरी को परखना जानना समझना हटाना ज्योतिर्मय करना असत्य से सत्य की ओर चलना मृत्यु से जीवन की ओर चलना अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की यात्रा इसमें तो बहुत बाधाएं आएगी बहुत मुश्किलें आएगी हजार बार हारोगे गिरोगे वही वही गलती वही वही कमजोरिया बिल्कुल चारों खाने चित, गिनती भी पूरी हो गई है दस नौ दो एक और माया कहा तूछा हम नीचे लेटे हुए माया हमारी छाती में के ऊपर जैसे कंस नीचे और कृष्ण ऊपर उल्टा फिर भी उठ खड़े हो जाओ अरे थक गया क्यों बढ़ता चल उठ संघर्षो से लड़ता चल ये मार्ग संघर्ष पथ है कई बार गिरना है फिर उठना है फिर चलना है फिर उठना है फिर चलना है जीवन विषम पंथ चलता चल खड़ा हिमालय हो यदि आगे लड़ू या लौटू या संशय क्यों तुझको 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 विजय पराजय से क्या हमें तो बस कर्म करना है बस करते जाना है जो परिणाम आ रहा है वो हमें प्रभावित ना करे हाँ सफलता है तो बहुत खुश नहीं परंतु यदि असफलता अस है संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम क्या कमी रह गई है देखो अब और सुधार करो कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नन्ही चीठी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवार सौ बार पिसलती मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती ये तो मार्ग ही गिरने का है यहां तो द्वापर से सब गिरते ही आ रहे हैं। वर्तमान में भी सारा संसार विकारों में डूबा हुआ है उसमें से कोई एक संकल्प करता है कि मुझे विकारों से छूटना है तो इतनी बड़ी बात है ये करोड़ों में कोई एक बाकी सब तो डूब चुके हैं और ना खुद डूबे हैं दूसरों को डूबाने में तुले हुए हैं। तत्पर है कि हम डूबे हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे ऐसे इस विकारों के सागर में कोई एक उभरता है कोई एक पवित्रता का संकल्प लेता है कोई एक ब्रह्मचारी बनने की का पुरुषार्थ करता है महान तपस्वी बनने का तो उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा चल तू अपनी राह पथिक चल, अकेले का मार्ग है रूहानी राही हो तुम होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विकार विजय पराजय से क्या मेघ उमड़ते हम्बर अंबर में भंवर उठ रहे सागर में आंधी और तूफान डगर में आंधी आंधी और तूफान एक तरफ आंधी एक तरफ तूफान और तुम बीच में सहज राजयोग चलो अब अरे थक गया क्यों बढ़ता चल उठ संघर्षों से लड़ता चल हजार बार हार हो जाए फिर उठो हिम्मत नहीं हारनी है हिम्मत तुम्हारी मदद मेरी एक कदम तुम्हारे हजार मेरे निश्चय तुम्हारा विजय मेरी तरफ से ये भगवान के बोल है महावाक्य है वन वन स्टेप इज एन अफ मी एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम मो हेड मो हेड मो हेड खड़ा हिमालय हो यदि आगे हिमालय जैसे पहाड़ खड़े हो जाए द हिमालयन ब्लंडर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में एक चैप्टर है जिसका नाम है द हिमालयन ब्लंडर हिमालय इतनी बड़ी भूल मैंने की एक ऐसी भूल क्यों ना हो या फिर ऐसे विघ्न क्यों ना खड़े हो बाबा ने किसी मुरली में कहा था क्या हजार नहीं सौ हिमालय से भी जाता याद है ना तो भी हटेंगे नहीं हारेंगे नहीं सौ हिमालय से भी जाता बड़े विघ्न आ जाए तो भी बड़े थे बड़े विघ्न आ जाए सौ हिमालय एक नहीं ओ so, अभी तो जो है वो हिमालय भी नहीं है अभी तो वो है पहाड़ पहाड़ से भी नीचे एक होता है माउंटेन एक होता है हिल और उससे भी छोटा होता है हिलॉक टीला है अभी तो टीले है छोटे छोटे और वही हम सोच रहे हैं कितने बड़े है ये ये तो इट इज जस्ट एन हिलॉक नॉट इवन माउंटेन्स वॉट विल हैपन द माउंटेन्स इफ द हिमालय ऑफ ऑब्स्टेकल्स कम इन फ्रंट ऑफ यू स्टॉप नॉट स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव रुकना ही नहीं है। गिरो सौ बार गिरो काला काला मु जाए हाथ पाव टूट जाए फिर भी उठ खड़े हो जाओ तो आज दो मुरलिया हैं जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण चार विशेषताएं गिनाई हैं कौन सी ब्लेस इसकी कोई चर्चा नहीं है मुरली में पावर की चर्चा है तुम्हें पावरफुल बनना है नॉलेज सक्सेस इन विशेषताओं का अनुभव करो जैसे वो चार सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा वैसे ये चार विशेषताएं और इसके लिए बाबा ने एक प्लान बताया है और उसके पहले कम से कम बीस से पच्चीस प्रश्न पूछे मुरली है या क्वेश्चन एयर मुरली तो बहुत बाद में चालू हो रही है पहले क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ये है ये है ये है ये है ये है ये है इन विशेषताओं को धारण किया है स्पीड को तेज किया है रफ स्पीड कैसी है स्पीड से संतुष्ट हो कोई कमी महसूस करते हो कमी है तो कमी को भरने के लिए नई बात कोई सोची है कोई कमजोरी है तो उसकी जांच की है उसकी फिक्र है कितने सारे प्रश्न पूछे धड़ाधड़ 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 एक के नीचे एक एक साथ सत्रह प्रश्न है स्पष्ट है कमजोरी फिक्र है कि कमजोरी अब तक क्यों है संगठन से कोई सहयोग लिया इसके लिए कोई नई बात सोची है इसके लिए आर यू वरीड फिक्र होनी चाहिए तुमको चिंता लग जानी चाहिए तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए मनी भाई कि अब तक ये कमजोरी जा क्यों नहीं रही है वाइट स्टिल देर फिक्र चिंता स्पष्ट मदद ली है संतुष्ट हो अपने पुरुषार्थ से अपनी स्पीड से कितने सारे प्रश्न हैं मुरली तो बहुत बाद में चालू हो रही है पहले प्रश्न ही प्रश्न है प्रश्न ही प्रश्न है प्रश्न ही प्रश्न है उन्नति का अनुभव किया है अगर कमी है तो संगठन से सहयोग लिया है पूछते जा रहे पूछते जा रहे पूछते जा रहे इन विशेषताओं को अनुभव किया है प्रैक्टिकल में लाया है तो एक है प्लान एक है प्रैक्टिकल इसके बीच में दो बातें बताई है इस मुठली में प्लान तो बहुत बनाते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं लाते उसमें क्या चाहिए दृढ़ संकल्प जो कहानी में सुनाया वॉशिंगटन ब्रुकलिंग वो रॉबलिंग जैसी दृढ़ संकल्प बैठे बैठे अगर हमारे हम होते उसकी जगह तो क्या करते आराम फिजियोथेरेपी पुरा जीवन फिजियोथेरेपी में बस और कुछ भी नहीं करते तुम्हें तो इतिहास रचना है इन लोगों ने इतिहास रच लिया जो यूएस में होंगे उन्होंने देखा होगा वो ब्रिज ब्रुकलिन ब्रिज उस ब्रिज को जब देखो तो याद करो इस कहानी को ये कहानी संकल्प की कहानी है हर दिन इतिहास रचने का दिन है तो आज इतिहास रच लेना सुखदेव भाई निखिलेश भाई आज आपको इतिहास रचना है इतिहास रचने वाले जनता से नहीं पूछा करते कौन सा इतिहास रचू तुम्हें इतिहास रचना है हर दिन इतिहास रचने का समय है संकल्प से सृष्टि की रचना करनी है तो प्लान और प्रैक्टिकल के बीच में क्या चाहिए पहला दृढ़ संकल्प शुरुआत में सत्रह अठारह क्वेश्चन है और बीच बीच में क्वेश्चन आते गए टोटल थर्टी एट क्वेश्चन कुछ कुछ, कुछ क्वेश्चन है वहां पर वो वास्तव में क्वेश्चन नहीं है वो गलती से क्वेश्चन मार्क डाला गया है वो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन मार्क्स चाहिए था वहां वो प्रश्न पूछ नहीं रहे परंतु वो बाबा उत्तर दे रहे उसमें भी वो गलती से एक्सप्लेनेशन ये आ गया है क्वेश्चन मार्क तो दो तीन जगह ऐसा है पर शुरुआत के तो सीधे क्वेश्चन ही है ये है ये है ये है ये है ऐसा है वैसा है अनुभव करते हो दूसरी बात रिवाइज दोहराओ जैसे कोई बाहर का नॉलेज होता है तो उसको पढ़ने के लिए एक्सटर्नल नॉलेज के लिए क्या करते हो यू हैव टू एक बार दो बार तीन बार चार बार रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग दोहराओ है किसकी सीखने की अगर कुछ किस सीखना है तो उसको रिपीट करते जाओ रिपीट 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 कीप ऑन रिपीटिंग 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 आई प्रैक्टिस 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 करते जाना है प्रैक्टिस करते जाना है व्हाट आर यू डूइंग डूइंग बॉक्सर को पूछा गया वो कहता है प्रैक्टिस तब क्या करते हो जब तुम्हारा दुश्मन प्रैक्टिस करता है वो कहता है प्रैक्टिस बॉक्सिंग कल है मैच कल है उसके पहले दिन क्या करते हो प्रैक्टिस तब क्या करते हो जब तुम्हारा दुश्मन सोता है प्रैक्टिस तब क्या करते हो मैच से तुरंत पहले कहता है प्रैक्टिस मार्च मैच खेल ली मार्च मैच में जीत गए फिर क्या करते हो प्रैक्टिस मैच खेल के दस दिन बीत गए फिर क्या करते हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस है प्रैक्टिस है प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस में भी परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कुछ भी प्रैक्टिस नहीं उल्टी पुलटी प्रैक्टिस मत करते रहना ये तो उल्टा पुल्टा सीखोगे प्रैक्टिस भी करेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो ये दो बातें है तो इस मुरली में बाबा ने कहा कि अमृत वेला प्लान बनाओ तो आज हम एक नई बात देखेंगे इसको कहते हैं मेनू मेनू होता है ना क्या क्या खाना है यहाँ प्लेट का डायग्राम बनाना भूल गए यहाँ एक प्लेट मेनू कार्ड होता है ना तो मेनू कार्ड सेल्फ प्रोग्रेस मेन्यू इसको सेल्फ केयर मेनू नाम से साइकोलॉजी में जाना जाता है अगर आप साइकोलॉजी की किताबें पढ़ो तो उसमें इस तरह के बहुत सारे मेनू दिए हुए हैं ये उदाहरण है कुछ हेल्दी एपिटाइजर के सेल्फ केयर मेनू, सेल्फ केयर मेनू में क्या क्या है इन्होंने क्या क्या लिखा है टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ पांच मिनट तक स्ट्रेच योर बॉडी पांच मिनट तक लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग पाँच मिनट मेडिटेट ऑन योर पर्पज पंद्रह मिनट रीड अ चैप्टर ऑफ अ बुक पंद्रह मिनट जर्नल आउट योर थॉट्स पंद्रह मिनट वॉक करो तीस मिनट कुकिंग अ गुड रेसिपी थी तीस मिनट ये सब लिखा है इसमें ये संसार के अलग अलग लोग जो बनाते हैं कि अर्थात दिनचर्या की प्लानिंग उसको उन्होंने नाम दिया है सेल्फ केयर मेनू और उसके साथ एक एक डायग्राम भी जैसे जोड़ा है जैसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक्सरसाइज का डायग्राम मेडिटेट कर रहे हैं तो मेडिटेट का रीडिंग कर रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं तो शूज़ का डायग्राम वगैरह वगैरह तो आज हम ऐसी कुछ चौदह बातें देखेंगे दिस इज़ कॉल्ड चेक लिस्ट दिस इज़ कॉल्ड बकेट लिस्ट ये चेक लिस्ट है हर दिन में ये चौदह बातें होनी चाहिए अगर होती है तो टिक नहीं होती है तो क्रॉस तो आपको ग्रुप में ऐसा एक चार्ट भेजेंगे जो आपको भरना है 14 पॉइंट्स इसके आगे एक बॉक्स है उसमें यस या रोंग तो बाबा ने इस मुरली में क्या कहा पहले वो देख लेते हैं बाबा ने कहा अमृत वेला अगर आपकी कोई विशेष कमजोरी है और जिसपे काम करना है उसके बारे में प्लान बनाओ और रात में फिर अपनी चेकिंग करो कि कितना उस पर काम किया बस ये दो काम है सुबह प्लान बनाओ रात में चेकिंग करो और होता क्यों नहीं है तो दृढ़ संकल्प लाओ फिर दोहराओ उसको रिवाइज करो रिपीट करो और इसमें और एक चीज कही है रात के लिए रात किस लिए है जैसे कोई प्रोग्राम होता है सेंटर में तो क्या करते हो निद्राचित बन के करते हो ना तो वैसे ये भी महत्वपूर्ण काम है जैसे मेडिकल में हम लोग कहते हैं कि अगर मेडिकल सीखना है यदि जो नए डॉक्टर्स आते हैं एम या नॉन एमबीबीएस और उनको सीखना होता है सबसे ज्यादा वो कब सीखते हैं दिन में नहीं दिन में तो सारे डॉक्टर्स रहते हैं सारे सिखाने वाले दिन में होते हैं इमरजेंसी में कब सीखा जाता है इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट यू लर्न क्रिटिकल केयर आईसीयू कब सीखते हैं सिबिलेंस सिबिलेंस पता है रात में ये आवाज आती रहती ना इसको कहते हैं सन्नाटा सिबिलेंस ऑफ द नाइट यू लर्न क्रिटिकल केयर जब आईसीयू में डॉक्टर अकेला रहता है सारे कंसल्टेंट्स अपने अपने घरों में हैं और अचानक इमरजेंसी आ जाती है पेशेंट आ जाते हैं उसको अकेले को मैनेज करना होता है तब वो सीखने लगता है तब उसे पता चलता है अच्छा ये है अब तक तो खाली थियरी पड़ी थी अब तक तो एग्जाम दिए थे एग्जाम में फुल मार्क्स हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड और पेशेंट सामने आ गया पूरा पसीना छूट जाता है सब भूल जाता है क्या करना है उसी टॉपिक में उधर हंड्रेड मार्क लिए थे टॉपर थे पेशेंट देखते ही पसीना करना क्या है मास कैजटी पचास पेशेंट एक साथ बस के बस उलट जाती है और पचास के साथ सौ दूसरे लोग पूछताछ करने वाले क्या हो रहा है अब कैसा है पत्रकार सारे एक साथ सौ फोन मैनेज ना तो प्लान प्रैक्टिकल के बीच में क्या है दृढ़ संकल्प रिवीजन और रात यह मत कहना टाइम नहीं मिला हम तो बहुत बिजी है बिजी कौन नहीं है यहाँ आप किसी को कहो कि मैं बहुत बिजी था तो वो आपको ऐसी बातें बताएगा कि उसके सामने आप कुछ भी नहीं रहोगे या फिर वो ये सिद्ध करके ही बताएगा कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है तुमसे तो सौ गुना मैं भी दी हूं किसी को भी सुना दो तो हम बिजी थे सेवा में फिर उसका उत्तर देखो क्या है तो चेकलिस्ट में सबसे पहली पॉइंट अटेंशन नहीं ये तो चेकलिस्ट है जो करना है स्थूल बातें है इसमें सारी जो करनी है ऐसी बातें अमृतवेला और 21 दिन का हमारा नियम है दो घंटा अमृतवेला पांच बजे से पहले दिन भर वाला मत मोलना अमृतवेला वाला अमृतवेला संगम युग वाला अमृत वेला नहीं <laughs> कहीं पर भी हो तो अमृत वेला किया नहीं किया कैसा किया नींद में गया चेकलिस्ट और अगर नियम पहला बनाया है कि दो घंटा है तो पहली चेकलिस्ट में यही आएगा कि वो दो घंटा हुआ कि नहीं हुआ वो तो फिर बात की बात है नींद किया वो सब चलेगा बट फर्स्ट रूल इज इट फॉलोड और नॉट फॉलोड तो अगर दो घंटा करना है और पाँच से पहले करना है तो टाइम क्या हो गया फिर तीन से पाँच अगर तीन से पाँच चालू करना है तो उठने का टाइम क्या हो गया फिर तो तीन से थोड़ा पहला हो गया फिर तो अगर ढाई बजे उठने का टाइम है तो सोने का टाइम क्या होना चाहिए फिर और लोग कहते हैं हम तो दस बजे सोते हैं ग्यारह बजे सोते हैं कहा ये व्रत है और व्रत को तो कैसे भी करके पूरा करना होता है उसके बाद भले सो जाओ पांच बजे तक या पांच के बाद तो ये पहला है रूल नंबर वन ये चेकलिस्ट है तो चेकलिस्ट में टिक मार्क करेंगे दूसरा फुट वॉक बेर फुट वॉक नंगे पाओ जमीन पे चले ना चले और ये तो कहाँ है नूतन क्रांति है पर्यावरण से जोड़ जुड़ना है उसके लिए एक भाई कल आए थे ओपीडी में तो वो तो मैंने कहा वो मेरा वो कहता है मैं सब कुछ करता हूँ मैंने कहा अच्छा नंगे पाव बोले हम नंगे ही रहते हैं दो तीन घंटा खेत में वो खेत में <laughs> और एकदम हेल्दी वेट स्टेबल जीरो क्रेविंग कोई क्रेविंग ही नहीं सुबह सूरज को देखते हैं और खेतों में ही काम करते हैं तो पाओ का तो संपर्क आता ही रहता है कभी कोई दवाई की जरूरत नहीं तो बीफॉर बेरफुट वॉक इस प्रकृति से जुड़ना है और हमारे पाओ में चक्र है इट्स अ फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन फ्री ऑक्यूपंक्चर सेशन और ये पूरी अर्थ धरती एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा शरीर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जुड़ता है सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं इसकी सारी चर्चा हम एंजल ऑफ लाइट भट्टी में कर चुके हैं क्या क्या फायदे होते हैं बेर फुट वॉक करोगे तो यू नॉट डू इट इन रूम वो तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा और बाहर जाओगे तो ऑटोमेटिकली सूरज की किरणें शरीर पर पड़ेगी चिड़ियों की आवाजें प्रकृति ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा संबंध तीसरा सेलिबसी ब्रह्मचर्य हंड्रेड परसेंट संकल्प में भी नष्ट ना हो अगला डी डिजिटल डिटॉक्स डिजिटल डिटॉक्स अर्थात मोबाइल ऑनलाइन से थोड़ी देर दूर कंटिन्यूस उसमें डूबे नहीं रहना है। उसका प्रयोग ज्ञान योग धारणा सेवा वो भी एक चैटिंग ही है वो भी एक चिटचैट ही है इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है बातचीत सर्फ करना गूगलिंग करना ये सब बातचीत ही है रिमूव ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और जितना हो सके बातचीत का वहां पर जहां करना है वहां करना है जहां जरूरी है वहां जरूरी है पर व्यर्थ की बातें, प्रकृति में जा रहे चार लोग मिलके जा रहे प्रकृति से जुड़ी नहीं पाते क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं बातों से जुड़े हैं प्रकृति मौन है और प्रकृति में जाके बातें करना अर्थात उस प्रकृति के मौन का अपमान करना है स्टॉप अकेले मौन में उस प्रकृति के सानिध्य में डूब जाओ देखो उस सूरज को देखो उस चांद को उस झील को उस पहाड़ों को दरख्तों को पंछियों को उड़ते हुए प्रकृति में आत्मा स्वाभाविक सहज अपने स्वरूप को प्राप्त होती है और जो है आत्मिक स्वरूप और मौन स्वरूप तो अगला डिजिटल डिटॉक्स अगला ई एक्सरसाइज एक्सरसाइज शरीर का एक एक जॉइंट चक्र है बॉडी लव्स टू मूव अगर इस शरीर को मूवमेंट ही नहीं दे रहे तो डलनेस आएगी लेजीनेस आएगी और ब्रह्मचारियों के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है परंतु उसकी अति में नहीं जाना है नहीं तो देह आएगा किसी भी चीज की अति में अगर गए गाना बहुत अच्छा बात बात है पर सिंगर ही बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें माया है फिर क्यों उसमें ऑडियंस चाहिए उसमें प्रदर्शन है उसमें शो है उसमें डिजायर है अप्रिसिएशन की व्यूज की लाइक्स की व्यूज के भिकारी लाइक्स के भि सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन के भि फॉलोअर्स के भि कुछ कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं अपने ब्रह्मचारियों को अत्याधिक व्यायाम के लिए संपूर्ण निषेध करती है नॉट अलाउड क्योंकि उसमें देह का चिंतन अधिक चलता है फिर परंतु हाँ एक्सरसाइज अत्यंत आवश्यक है ये नहीं करोगे तो शरीर में डलनेस आएगी बीमारियां आएगी फूर्ति नहीं रहेगी ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा सब होगा तो एक्सरसाइज की नहीं की देखो उसके बाद में फूड फूड के बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है धीरे 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 उस फूड की तरफ जाना है जो आहार लेकर हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो जाए पहला हल्का हो जाए और उसमें उत्तेजनाएं समाप्त हो जाए सारी बीमारियां खत्म हो जाए आलस अलबेलापन उसमें रहे ही नहीं सुस्ती उड़ जाए उसमें से उतनी फूर्ती आ जाए इतनी पावर आ जाए और वो शक्तिशाली भी रहे वेट लॉस वाला भी नहीं इन्हें तो सब कर रहे और सीधा दस किलो वेट लॉस हो गया चेहरा पिचक गया और लोग कहने लगे ये क्या कर दिया बॉडी वेट स्टेबल पावरफुल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एजिलिटी भागने को कहो तो दस किलोमीटर भाग जाओ तो वो है उठाने को कहो तो कितना भी उठाओ पावर पावर भी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और एजिलिटी फूर्तता चंचपलता और फ्लेक्स बेंड बेंड सो दैट यू कैन नॉट ब्रेक यू विल नॉट ब्रेक जो बेंड करते हैं वो ब्रेक नहीं होते नहीं तो बार बार गिरते रहते हैं फ्रैक्चर होते रहता है बीमारी आती रहती है तो वर्क ऑन फूड उसके बाद में अगला जी गेजिंग सन गेजिंग मून गेजिंग स्टार गेजिंग क्लाउड गेजिंग माउंटेन गेजिंग अर्थ गेजिंग जो गेजिंग करना है करो देखो गेज करो उठते उगते हुए सूरज को देखो उससे ऊर्जा लो रात को चंद्रमा को देखो तारों को देखो सितारों को देखो आसमां को देखो सन गेजिंग उसके बाद में एच डेली का होमवर्क किया कि नहीं किया इसमें तो ढेर सब कुछ आ जाता है चेकलिस्ट बाबा ने कहा देखो आप रात को चेक करो किया कि नहीं किया ना नहीं इस ये वाली भट्टी में तो हम नहीं करेंगे अगली भट्टी से हम चालू करेंगे ऐसे भी कई लोगों के संकल्प हमने सुने अभी तक कर लिया था इस भट्टी में हमने अपने आप, आपको थोड़ा सा छुट्टी दी है हॉलीडे पर है रिलैक्स एक बार आदत छूट गई तो वो छूट जाएगी चाहे कुछ भी हो एक्सरसाइज हो प्राणायाम हो जो भी है एक बार आदत टूटी तो अगली बार उसी आदत पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा फिर और वो आएंगे और परिस्थितियां और विकराल होगी हाँ जब सब कुछ ठीक हो ना तब हम करेंगे वो ठीक आज तक कभी होने वाला नहीं है इसलिए इस क्लास में नंबर वन मार्क्स किसको मिलेंगे होमवर्क के जो सबसे पहले होमवर्क करता है वो है निखिलेश भाई इधर क्लास पूरी भी नहीं होती तो होमवर्क उधर तैयार हो जाता है लोग होमवर्क जो करते हैं क्लास के बाद करते हैं। इधर क्लास के साथ साथ होमवर्क चलता है क्लास से पहले ही हो जाता है आपका असंतुष्ट जरूरी है ये जो असंतुष्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कहते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट दैवी असंतोष और आगे जाऊं और आगे जाऊं तो यू आर ऑन राइट ट्रैक होमवर्क किया कि नहीं किया अगला इंटरमीडियंट साइलेंस एंड सॉलिट्यूड वो साइलेंस मिलना अभी मुश्किल है कि दस दिन का साइलेंस मिल जाए दस दिन का एकांत मिल जाए अभी इंटरमीडियंट साइलेंस जैसे इंटरमीडियंट फास्टिंग होता है वैसे इंटरमीडियंट साइलेंस दो घंटे भी मिल जाए साइलेंस के तो चुरा लो व्यस्त दिनचर्या में मौन को चुराओ व्यस्त दिनचर्या से मौन को चुरा लेना है एकांत को चुरा लो चुप हो जाओ इंटरमीडियंट साइलेंस अगला जर्नलिंग डायरी जिसमें रात में लिखो लिखने की आदत चाहिए दिनचर्या लिखो इसमें कहा ना चेकिंग करो अगला कर्मयोग इससे पहले भी कहा है केवल मुरलिया नहीं पढ़ते बैठना है सुबह से लेकर रात तक जिन लोगों को काम नहीं है कुछ बेरोजगार जो लोग हैं यज्ञ में बेरोजगार ऐसे बहुत है जिनको कोई काम नहीं है वो खाली मुरलिया ही पढ़ रहे हैं और अपने होमवर्क ही करते रहते सुबह से लेके रात तक दे आर कॉल्ड रूहानी बेरोजगार स्पिरिचुअल अनएम्प्लॉयड उनके लिए थोड़ा सा निकलो और कहीं सेवा करो अगर मधुबन में ऐसे लोग हैं, किचन में जाके सेवा करो कहीं भी सेवा करो पार्टियों को समझाओ ग्रुप्स को समझाओ गाइड की सेवा करो कुछ करो खाली मुरलिया नहीं पढ़ते रहना दिन रात अंडरलाइन कर कर के लाल पीली नीली काली क्या क्या कर दिया है अगला लव और बाबा कल आठ बातें बताई थी बाबा की गायत्री बहन वो कौन सी आठ बातें थी बाबा लव्स मी बाबा लव्स मी ये पहला था अच्छा नीचे से ऊपर बता रहे हाँ ठीक है ठीक है, है नीचे से ऊपर बता रहे बताओ चलो नीचे से ऊपर का बताओ नीचे बाबा ऊपर चले गए अच्छा <laughs> तो पहला बाबा इज विथ मी मेरे साथ है दूसरा मेरे लिए है ये दो पूरा हुआ फिर वो मुझे देख रहा है वो मुझे सुन रहा है अगला केयर्स फॉर मी प्रोटेक्ट्स मी नोज मी वो मुझे जानता है ये नहीं समझना कि उसे पता ही नहीं मैं हूं और जताने की कोशिश करो सुनो मैं हूं यहां हूं इस डिपार्टमेंट में और लास्ट लव्स मी लव तो लव तो बढ़ते जाना चाहिए ये इश्क बढ़ते जाए हाँ वो उससे पूछो आपने कही हुई बातें उस तक पहुंची कि नहीं उससे पूछो हैव यू हर्ड क्या तुमको पता है वो गए हाँ मतलब सुनी है उसने मेडिटेशन अगला मेडिटेशन राजयोग खाली ज्ञान ज्ञान मुरलिया ही पढ़ते नहीं रहना है मेडिटेशन भी चाहिए शाम का योग अमृत वेला वैसे अमृत वेले का तो अलग रखा है बढ़िया फिर भी वो अमृत वेला इसलिए रखा क्योंकि दो से दो घंटे का वो व्रत है इसलिए बाकी ये रेगुलर अमृत वेला और लास्ट नेचर प्रकृति प्रकृति के सानिध्य में जाओ चौदह बातें हैं सुशील भाई प्रकृति की बेयरफुट वॉक एक अलग ये है कई लोगों ने बेयरफुट वॉक के लिए अपने घर में मिट्टी डाल रखी है यह भी किया है बेयरफुट वॉक के लिए कई लोगों के लिए अर्थिंग के पैड्स भी आते हैं हमारे ऊपरी में किसी ने देखे गए अर्थिंग पैड्स मतलब जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ना वो भी ऑफिस में सुबह से लेकर रात तक कंप्यूटर के सामने काम है तो अर्थिंग पैड्स है जो पैर पे, वो पैर पे पैर रखो। मतलब तुमको वही फायदे होंगे जो जमीन पर चलने के पर जमीन है नहीं खेत है नहीं टाइम है नहीं प्रकृति दूर है इसलिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है अर्थिंग की तो वो आ, वो वाला अर्थिंग अलग ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है ये अर्थिंग अलग अर्थिंग अर्थात जिसमें हमारे पैर धरती से जुड़े और उसकी शक्ति में आ जाए तो प्रकृति से वो जो चौदह बातें उस दिन सुनाई थी वो सारी बातें विटामिन एन कौन सा विटामिन एन नेचर तो ये चौदह बातों की रोज क्या करनी है एक चेकलिस्ट है बाबा ने इस मुरली में कहा वो देखो चेक करो रिपीट करो दोहराओ सी कमी रह गई है कौन सी बात नहीं हो रही है जरूरी है कि सबके सब हंड्रेड परसेंट आएगा कुछ तो हो नहीं रहा है इसमें से किसी का फूड का नहीं हो रहा है किसी का अचानक कुछ बन जाता है तो सारे संयम नियम एक तरफ और सब खा लेते तो। हैं और खुद का ही नहीं दूसरे का भी एक तो खाना ही नहीं बिल्कुल एक साल तक और जब खाएंगे तब बांध टूट पड़ते हैं सारे अंदर के <laughs> तो ये है पहली मुरली फिर आते हैं दूसरी मुरली की तरफ बाबा ने कहा इसमें स्टेज स्... क्या क्या होता है स्टेज पर तो जब भी तुम भाषण देने जाओ तो उसमें तीन बातें महत्वपूर्ण होती है संसार में भी एक तो स्टेज कैसी है स्पीच कैसी है और पब्लिसिटी मार्केटिंग होनी चाहिए अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए इसका इसका स्पीच है उसको देख के आधे लोग आ जाते हैं भले सीखते कुछ भी नहीं या करते कुछ नहीं परंतु हां हम थे वहां पर तो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए स्पीच तुम्हारा रेडी चाहिए भाषण देने जा रहे हो ऐसे नहीं कि इस मुरली में भी कहा ना नहीं तो उसको देख कर ही लोग दुखी हो जाए इसने तैयारी नहीं की है ठीक से और स्टेज स्टेज अच्छा चाहिए स्टेज की चार विशेषता है वो सुनाइए इस मुरली में स्टेज में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए तो ये तो स्थूल के उदाहरण दिए फिर उस बाबा बाबा ने कहा कि इसमें दो शब्द ऐसे है वो जरूरी है किस बात के लिए रविनेश भाई वो कौन से दो शब्द है और जो जरूरी है वो किस बात के लिए है ये दो शब्द अंतर को मिटाने के लिए फॉलो फादर कर रहे हो तो एक तो कौन सा पहली बात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी मूर्त तो याद उसमें से इतना ही रखना है एक तो बाप समान अवस्था हो भाषण देते समय और दूसरा साक्षी भी हो ये दो बातें मिसिंग है तो बाबा ने कहा इन दो बातों को लाओ और फिर उसके बाद में ये सात बातें यहां बताइए तुम्हारी आंखों से क्या हो तुम्हारे मस्तक से क्या हो तुम्हारे होठों से क्या तुम्हारे चेहरे से क्या संकल्प बोल कर्म से क्या तो सबसे पहले आते हैं तुम्हारी आंखों से क्या तो आंखें तुम्हारी नजर से क्या कर दे आत्माओं को निहाल करके उनकी दृष्टि वृत्ति स्मृति सब कुछ बदल दे सब कुछ चेंज कर दे ऐसी आंखों से दृष्टि तो अभी भाषण दिया ही नहीं है बस आंखों से देखा है बस भाषण पूरा हुआ अगला मस्तक से क्या करो स्वरूप अपने स्वरूप का और उनको उनके स्वरूप का साक्षात्कार करो मस्तक पर देखे वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए उसके बाद में फोटो से क्या मुस्कुराहट से किसका अनुभव हो अविनाशी खुशी का अनुभव हो तुम्हारी मुस्कुराहट से मुस्कुराहट मतलब हा 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 हंसना हा, नहीं है बुद्ध के पास अगर कोई जाए तो बुद्ध तो बैठे है। इसका मतलब वो दुखी है सीरियस है ना वो खुशी है परंतु कैसी खुशी है वो इन्नर स्थित प्रज्ञ अवस्था है समानता की स्थिति है इक्विपॉइस इक्वानिमिटी, वो रियल खुशी है वो लोग जो हंसते रहते हैं ना बाहर हा 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 हा, हाँ और ये दिखाते हैं कि हम बहुत खुश है बहुत खुश है सबसे ज्यादा दुखी अंदर से वही लोग होते हैं इससे पहले भी सुनाया था एक व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है कहता है मैं बहुत दुखी हूं बहुत दुखी हूं मैं क्या करूँ अंदर से रोते रहता हूं जीवन में इतने दुख है इतनी परेशानियां हैं वो साइकेट्रिस्ट कहता है तुम एक काम करो यहां पर शहर में एक सर्कस आई है और मैंने सुना है उसमें एक ऐसा जोकर है वो चाहे कोई भी आ जाए वो जोकर उन सब को हंसा देता है तो तुम क्यों ना एक बार जाकर वो सर्कस देख लेते हो थोड़ी देर के लिए क्यों ना तुमको तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ जाएगी वो व्यक्ति कहता है आई एम दैट जोकर वो जोकर मैं ही हूं दूसरों को हंसा रहे पर खुद दुखी है उदास है अंदर से भीतर तो दुख छाया हुआ है बच्चों का दुख पति का दुख पत्नी का दुख घर गृहस्थी का दुख बच्चों की पढ़ाई का दुख बच्चे सुनते नहीं इसका दुख बच्चे लड़ते रहते हैं इसका दुख प्रॉपर्टी के झगड़े कितने झगड़े है दुख दुखों की कमी थोड़ी नए है संसार में दुखों के अंबार लगे हैं सब जगह तो लिप्स उसके बाद में तुम्हारी शक्ल तुम्हारा फेस संपूर्ण चेहरा क्या करे पोजीशन पोजीशन का साक्षात्कार करे कौन सी पोजीशन वर्तमान और भविष्य तो ये इतनी बातें हैं तुम्हारी क्या करे नजर से निहाल कर दे आत्माओं को फोरहेड क्या करे तुम्हारा स्वरूप का साक्षात्कार करे लिप्स क्या करे मुस्कुराहट का अनुभव खुशी का अनुभव आत्माओं को अविनाशी खुशी का चेहरा क्या करे पोजिशन का उसके बाद में संकल्प बोल और कर्म तुम्हारे एक एक संकल्प इतने शक्तिशाली हो कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दे इतने शक्तिशाली हो कि जो विकल्पों की बाढ़ आ गई है उससे वो किनारा हो जाए क्या शब्द प्रयोग हुआ है बाढ़ 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 विकल्पों की बाढ़ आई है संसार में यह तुम्हें अपने संकल्पों से करना है और तुम्हारा बोल कौन सा बोल आत्माओं को ठिकाने लगा दे एक ही बोल वो एक ही बोल निशाना ठिकाने पे लगा दे कौन सा बोल है वो शिव बाबा अगला कर्म ऐसा नहीं केवल बाप के ही कर्म चरित्र है चलितम चरितम तुम्हारे कर्म भी चरित्र हो तो ये है तुम्हारा भाषण <laughs> ये है तुम्हारा भाषण फिर स्टेज में कौन सी चीजें चाहिए जैसे उस स्टेज में लाइट की आवश्यकता है तो यहां तुम्हारी डबल लाइट स्थिति हो हल्कापन हो भारी हो जाए अगर बोलने वाला तो लोग भाषण को नहीं सुनेंगे उसको ही देखते रहेंगे ऐसा मुरली में लिखा है तो स्थिति भी लाइट और अगर जहां भाषण हो रहा है तो स्टेज पे क्या चाहिए लाइटिंग सिस्टम अच्छी चाहिए दिखना तो चाहिए कौन है एक दूसरा माइक तो यहां पर माइक क्या है वहां तो माइक चाहिए इतना माइक ऐसा पावरफुल चाहिए कि लास्ट वाले को भी सुनाई दे तो यहां क्या चाहिए यहाँ माइक कौन सा है संकल्प और नजर नजर भी कैसी उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है कौन सा शब्द है नजर के लिए दिव्य दृष्टि रूहानी दृष्टि तो तुम्हारा संकल्प और नजर ये है क्या है तुम्हारे माइक उसके बाद में व्हाइट व्हाइटनेस क्योंकि जो हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं वहां वाइट लगभग सारा व्हाइट रखते हैं तो वाइटनेस तो यहां पर क्या दिव्य बुद्धि और लास्ट है जो तुम बोलते हो भाषण का कंटेंट द कंटेंट ऑफ द स्पीच द मैटर ऑफ द स्पीच उसमें तीन स्लोगन इंक्लूड करने पहला विश्व कल्याण वाला दूसरा महादानी वाला और तीसरा साक्षात्कार मूर्त वाला तो विश्व कल्याण वाला जैसे बाप ने मुझे किस लिए निमित्त बनाया बाप विश्व कल्याणकारी उसने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है मैं विश्व कल्याणकारी हूं पहला दूसरा महादानी हूं और वरदानी और तीसरा साक्षात्कार मूर्त वो अपनी सीरत और मूर्त से उसकी सीरत और मूर्त को का साक्षात्कार कराने वाला तो ये तुम्हारे भाषण का कंटेंट हो तो वाइटनेस होनी चाहिए दिव्य बुद्धि माइक होनी चाहिए नज़र और संकल्प लाइट होना चाहिए तुम्हारे स्थिति डबल लाइट और इसमें और एक चीज एक जगह जोड़ी है स्टेटस भी जोड़ दिया है स्टेज स्पीच और स्टेटस और पहले कहा था स्टेज स्पीच और पब्लिसिटी ये संसार में ये देखते हैं ये रिक्वायरमेंट ये दो शब्द का अंतर है इन दोनों को लाओ और ये सारी चीजें से भाषण करो तो ये मुरली है तो आज का होमवर्क नंबर वन तो ये सेल्फ प्रोग्रेस मेनू है इसको रात में भरेंगे इसका प्रिंट निकाल लेना और इसमें यस या क्रॉस नहीं किया तो क्रॉस किसी को देखने दिखाने का नहीं है क्रॉस करो तो कोई बहुत ज्यादा इसी मुरली में कहा है ना बाबा ने जो कमी है उस पर काम करो फिर उस पर विशेष अटेंशन दो रात को जागो प्रोग्राम के लिए जागते हो निद्राजीत बनते हो अब इसके लिए करो वो दृढ़ता लाओ और दोहराओ दोबारा तीन बार चार बार जर्नलिंग कर्मयोग और जो बिल्कुल भी कर्मयोग नहीं है सम्पूर्ण बेरोजगार की अवस्था में है वो आज बेरोज कोई रोजगार ढूंढेंगे कोई डिपार्टमेंट में जाओ और देखो कहीं सेवा है क्या और जो बहुत ही ज्यादा कर्म में बिजी है वो अपना टाइम निकालो साइलेंस का उससे मुक्त होने का कोई पुरुषार्थ करो आठ आठ घंटे ड्यूटी में जा रहे दो घंटा ट्रैवलिंग जाने का दो घंटा आने का और आठ घंटे ड्यूटी आके निढ़ाल हो जाते है खाके और सो जाते हैं फिर दूसरे दिन फिर उठते हैं फिर से वही दिनचर्या टाइम ही नहीं है ना पुरुषार्थ के लिए टाइम है पुरुषार्थ के लिए विस्तार को कम करना पड़ेगा नीड क्या है और ग्रीड क्या है उसके बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी ये जो मैं कर रहा हूं ये तो सब ग्रीड है इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है क्यों कर रहे हो ये सब पागल हो जैसे भाग रहे हो और थकने के बाद कहा मुरली पड़ी जाती है क्या दिमाग में घुसता है क्या कुछ कुछ नहीं घुसता है और मुरली पढ़ो भी तो स्पष्ट समझ में नहीं आएगा उसको टुकड़े टुकड़े करके विभाजित करके मुर्गी इज मुरली इज एन अनऑर्गेनाइज मैटर उसको तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उसके पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं ऐसे दस पॉइंट लिखे हैं मुरली में सात पॉइंट कहीं कहीं नहीं लिखा है कहीं ऐसा लिखा है कि ये तीन तीन तो लिखे पर वो तीन का कब ये चालू होता है और कब वो चालू होता है पता ही नहीं चलता है मुरली अनऑर्गेनाइज है पूरा ऐसे है उसमें टुकड़े टुकड़े करने हैं उसके पार्टीशन करने हैं उसको देखना है अच्छा ये ये है ये ये है इस सब के लिए क्या चाहिए बुद्धि एकाग्र संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है तो मुरली नहीं पढ़ सकते टाइम वेस्ट हो रहा है रील्स शॉर्ट्स टाइम वेस्ट दस मिनट में सौ रील्स देख रहे हैं कहां से एकाग्रता बढ़ेगी वो तो बुद्धि और भटक रही है बुद्धि को आदत पड़ रही है इंस्टेंट हैप्पीनेस की टू मिनट्स नूडल्स तो एक तो होमवर्क नंबर वन ये होमवर्क नंबर टू ये स्टेज बनाना है अलग अलग स्टेज है स्टेज के ढेर सारे डायग्राम हैं जो हम भेज देंगे अच्छे अच्छे स्टेजेस हैं तो ये तो कुछ स्टेजेस इसमें लिए गए तो अगर स्टेज अगर देखो आप बहुत अच्छे अच्छे स्टेज के पिक्चर्स हैं आप कोई भी स्टेज का पिक्चर बनाओ और उसमें ये कितनी पॉइंट है ये सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इतनी पॉइंट्स है सारी उसमें कहीं पर भी डालो कोई भी एक स्टेज ले लो आजकल तो स्टेज डेकोरेशन तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं मिस वर्ल्ड ये वर्ल्ड वो वर्ल्ड प्राइज कॉम्पिटिशन ये कॉम्पिटिशन उसमें कैसे कैसे हो नहीं वो कथा भागवत वाले नहीं है बड़े बड़े स्टेजेस की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेजेस है ये वो स्टेजेस का कहाँ ऑडियंस बैठेगी कैसे बैठेगी बहुत सारा है इवेंट मैनेजमेंट करेक्ट इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट मैनेजमेंट बैकड्रॉप कौन सा होगा बैकग्राउंड कौन सा होगा कैसा एंट्रेंस होगा audience, सब 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 ये बहुत बड़ा है तो स्टेज निकालना है उसमें और आज का तीसरा काम बाबा ने कहा एक ही शब्द है बस जो ठिकाने लगाता है शिव बाबा तो आज का तीसरा होमवर्क है शिव बाबा शब्द लिखना है कितनी बार नहीं एक ही बार एक ही बार पर कैसे जैसे शब्द लिखा है जीजस डिजाइन से लिखा हुआ है जितना डिजाइन से उसको लिख सको लिखो यह अलग अलग डिजाइन से शब्द लिखे हुए है किसी ने हमको हमारा ही भेजा था एक बार वो भी दिखा देते ये ऐसा अलग अलग डिजाइन का लिखा हुआ है एक ही शब्द है ये भेजा था किसी ने ऐसा तो ऐसा शिव भक्ति मार्ग में भी लिखे जाते हैं ना तो आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक स्टाइल से एक ही शब्द लिखना है शिव बाबा पर वो ऐसा पावरफुल होना चाहिए अलग अलग लिखना एक ही शब्द है तो ये आज के तीन होमवर्क ठीक है तो कल का पेपर अच्छा रहा ना <laughs> कितने सारे भाई बहनों के मैसेजेस आए हमको फुल मार्क्स मिले आपने बोला था प्राइस का वो प्राइस कब मिलेगी <laughs> जो कल कहा था ना एक खतरनाक क्वेश्चन है वो मैचिंग वाला आज की टेस्ट में भी एक क्वेश्चन है सेम वैसा ही कल का जैसा मैचिंग था वैसा बता ना थोड़े टेस्ट होती है प्रैक्टिस नहीं होती है टाइम पे गिरना होता है गिर के सीखना होता है तो कितने भाई बहनों के तो मैसेज आए आपने कहा था ये देखो हमारे मैसेज फुल मार्क्स आपने कहा था बहुत कठिन है बहुत कठिन तो है ही नहीं अब प्राइस दो मैसेज आए बड़े बड़े जो उसको इतना ही कठिन नहीं था वैसे चल तू अपनी राह पथिक चल होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको तुझको विजय पराजय से क्या ओम शांति चल होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय जै पराजय से क्या चल तू अपनी राह पथिक चल उठ रहे हैं सागर में आंधी और तूफान डगर में तुझको तो केवल चलना है चलना ही है तो फिर डर क्या तुझको 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 विजय पराजय अपनी राह चल अरे थक गया क्यों बढ़ता चल उठ संघर्षों से लड़ता चल विषम पंथ चलता चल खड़ा हिमालय हो यदि आगे चढ़ू या लौटू यह संशय क्यों तुझको 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 विजय तुझ पराजय से क्या चल तू अपनी राह पथिक चल होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या चल तू अपनी राह पथिक चल